वेल दोस्तों, बात करें अगर स्मार्टफोन्स की तो हम में से बहुत सारे लोग जो है उसे यूज करते हैं, और अगर बात करें उन स्मार्टफोन्स में नए नए एप्लीकेशंस वगैरह ट्राई करने का, तो हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस लिस्ट में सबसे पहले जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो वो फेक है या फिर नहीं, या फिर जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो वो आपके फोन के लिए सेफ है या फिर नहीं? वेल, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में पूरा एंड तक, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी के बारे में। तो राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप, स्वागत करता हूँ आप सबका एमटेक रिव्यूज के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे इस छोटे से इंट्रो के बाद। जमाने में मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों को अपने फोन्स को बनाना क्या है, एक ऑटोमेटिक मशीन या फिर एक ऑटोमेटिक डिवाइस जो आपके बोलने पे आपके सारे काम करते हैं। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है या फिर डेवलप होता जाता है, ऐसे बहुत सारे एप्स आपको मिल जाएंगे जो आपके इन सारे काम को कर दे। लेकिन हमें तो करना है भैया जल्दबाजी, और इसी जल्दबाजी के चक्कर में हम फंस जाते हैं इन फेक एप्स के चंगुल में या फिर उनके बीच में। दोस्तों, एक ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं उसको यूज करने में कि यार वो हमसे एक के बाद एक स्क्रीन पर परमिशन मांगता जाता है, हम बिना कुछ सोचे समझे नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो परमिशन आप दे रहे हो क्या आपके लिए या फिर आपके फोन के लिए सही है? वेल नहीं, क्योंकि 2018 के एक सिक्योरिटी कंपनी के रिपोर्ट के मुताबिक मोर देन 10% ऑफ इंडियंस वर हिट बाय अ बैंक इंट्रूजन, जिसका काम था आपके बैंक डिटेल्स को चुराना और पहुंचा देना उस हैकर तक या फिर उस डेवलपर तक जिसने उस ऐप को या फिर उस बैंकिंग ट्रोजन को बनाया था। वेल, अब आप पूछोगे कि यार इनको स्पॉट कैसे करें कि ये फेक ऐप है या फिर नहीं? वेल, कुछ तरीके से। क्या है वो तरीके, चलिए एक के बाद एक अब जान लेते हैं। तरीका नंबर वन, नाम। दोस्तों, रेपुटेड कंपनी द्वारा बनाए गए एप्स में कभी भी नाम गलत नहीं होगा और ना ही होगा उनमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्ले स्टोर में ऐसे एप्लीकेशन को देख रहे हो जिसका कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर नाम गलत है, तो सिंपल समझ जाना कि यार कुछ तो लोचा है उस ऐप में, और तुरंत उस ऐप को बिना डाउनलोड किए वहां से चले जाना। तरीका नंबर टू, टैग्स। दोस्तों, जब भी आप एक ऐप को डाउनलोड करने जा रहे हो, सबसे पहले उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये जरूर चेक करना कि उनमें कौन से टैग्स लगे हैं, जैसे कि एडिटर्स चॉइस, टॉप डेवलपर्स। ये कुछ टैग्स होते हैं जो अच्छे अच्छे कंपनीज को मिलते हैं या फिर अच्छे अच्छे ऐप्स को मिलते हैं प्ले स्टोर द्वारा। अगर आप इन टैग्स को किसी एप्लीकेशन में नहीं देख पा रहे हो, तो यार वो डिसीजन आप पे डिपेंड करता है कि आप डाउनलोड करोगे या नहीं करोगे। तरीका नंबर थ्री, डाउनलोड्स। दोस्तों, किसी भी रिपोर्टेड ऐप्स के एक बार आप डाउनलोड्स पे जाके चेक करना, 10 मिलियन 10 लाख 10 के डाउनलोड्स तो जरूर होंगे उसमें। दोस्तों, अगर आप किसी ऐप को देख रहे हो जिसका डाउनलोड 5 के से नीचे है, तो सिंपली समझ जाना यार कि वो ऐप या तो फेक ऐप है या फिर वो उस ऐप में कुछ तो गलतियां है जिसके वजह से उसका डाउनलोड एकदम से नहीं हो रहा है। तरीका नंबर 4 या फिर लास्ट तरीका, परमिशन। दोस्तों, जब भी आप एक ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो, तो बिना कुछ सोचे समझे एप्लीकेशन जो परमिशन मांग रहे हैं आपसे, बिना कुछ सोचे समझे एप्लीकेशन को परमिशन मत देना। एक बार देखो, इतना एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है, परमिशन देखो पहले कौन से परमिशन आपसे मांग रहे हैं। एक बार परमिशन आप देख लो, चेक कर लो, फिर जाके उसको परमिशन दो और फिर जाके गेम खेलो या फिर उस ऐप को यूज करो। वेल दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेक ऐप्स क्या है या फिर फेक ऐप से आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपके मोबाइल फोन का या फिर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो और लाइक कर देना। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, राधे राधे।